नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश है क्रंच न्यूज़। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद अवाज, क्रंच टुडे न्यूज़, हैदराबाद। नाजरीन, कल हमने आपको एक न्यूज बताई थी जिसमें शादान हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश ने पेशेंट को किस तरह से मारा, जिसके बाद एमए हकीम जो नासिंगी पुलिस में शिकायत की थी, पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए 324 आईपीसी के तहत केस बुक किया और उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज अपील करता है कि ऐसे डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे डॉक्टर की डिग्री को छीन लिया जाए ताकि कोई और पेशेंट के साथ ऐसी हरकत ना करे। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देखना है कि पुलिस और हुकूमत ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई करती है। जहां पर शादान हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए बनाया गया, वहां पर ऐसे डॉक्टरों की वजह से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो मरीज का इलाज करके उसको खुशी वापस करे, लेकिन यहां पर डॉक्टर रोडिज्म कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इसका जवाब हॉस्पिटल के जिम्मेदार को देना होगा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसे हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल, नासिंगी पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। मोहम्मद अतीक अब्दुल खालिद खान के साथ महेश अग्रवाल अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।